मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि देखें, ये कहना कि न्यू ईयर पे क्यों गया मैं और वहाँ पर क्या सूरत हाल थी, उसमें समझने की चीज़ ये है कि बर्मा, सीरिया, इन दोनों जगह पर जो मैंने एक फाउंडेशन छोटी सी बनाई हुई है, वकार ज़का फाउंडेशन, उसका मकसद भी ये है कि जब जब वहाँ पर मुझे एजेंट्स के थ्रू पता चलता है कि मैं वहाँ खुद ट्रैवल कर सकता हूँ तो मैं डोनेशन लेके जाता हूँ वहाँ पर। न्यू ईयर पे हुआ ये कि न्यू ईयर से मैं झूठ नहीं बोलूँगा, 24-25 तारीख को, दिसंबर को, मैंने अपने दोस्तों के साथ दुबई में काफ़ी सारी चीज़ें बुक की हुई थी, जिस तरह बाकी सब ने भी की हुई होंगी। और उसके साथ साथ मेरी पब्लिक अपेयरेंस वहाँ होती है, कुछ देसी नाइट क्लब्स हैं वहाँ पे, जहाँ पर पेड अपेयरेंस के होती है और पैसे मिलते हैं हम लोगों को न्यू ईयर पर वहाँ अपेयर होने के। वो सब चीज़ें बुक थी और काफ़ी सारे दोस्त मेरे से नाराज़ भी हुए कि मैं वहाँ से छोड़ के क्यों गया, और वजह क्या थी इसकी। रीज़न ये था कि 26 दिसंबर को जो एजेंट मेरा टर्की में मौजूद है, किलीस एक शहर है बिल्कुल बॉर्डर के पास, उसने मुझे बताया कि भाई आप न्यू ईयर के ऊपर ही, न्यू ईयर के पास ही जा सकते हो सीरिया, अलेपो, इसके बाद नहीं जा सकते क्योंकि रशियन आर्मी जो है वहाँ नहीं है और सीज़ फायर होने वाला है। उसने मुझे एक आध दिन पहले बता दिया था, जो न्यूज़ में 2-3 दिन बाद आया था। तो इन दिनों में आप, अगर आप आओगे तो आप डोनेशन कर सकते हो। अब मेरे पास ऑप्शन थी, या तो मैं अपनी पेड अपेयरेंस देता और दोस्तों के साथ न्यू ईयर पर जाता, या यहाँ जाता। तो वो सब छोड़ के मैं इसलिए इन दिनों में गया, लोग जो पूछते हैं कि इन दिनों में ही क्यों गए, कि एजेंट जो था वहाँ जिसने मुझे लेके जाना था, उसने कहा इन्हीं दिनों में आप आ सकते हैं। और जाने का बहुत आसान तरीका है, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं आप कैसे पहुँचे, वीज़ा लिया? कोई वीज़ा वगैरह नहीं लिया मेरे पास ऑलरेडी, क्योंकि यूके और यूएसए का वीज़ा है, तो मुझे टर्की का वीज़ा एक दिन में मिल गया। और प्लस उसके बाद वहाँ से गाज़ी अंतब एक शहर है, मैं वहाँ कराची से वहाँ गया, वहाँ से फिर किली से एक जगह है, तकरीबन आधे घंटे का, 1 घंटे का रास्ता है ड्राइव पे, फिर वहाँ से किली से जो है वो बॉर्डर क्रॉस कराते हैं। और जितने लोग भी सीरिया जाना चाहते हैं, आपको मैं अभी टिप्स दे रहा हूँ, ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ी सी हिम्मत चाहिए प्लस पैसे जेब में होने चाहिए, कम से कम आप समझे 4-5 हज़ार US डॉलर इस काम के लिए रखें कि आपको बॉर्डर क्लियर होगा। वहाँ पर जब आप किलीज़ के बॉर्डर के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी एजेंट्स खड़े होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पासपोर्ट ऑफिस के बाहर या ID कार्ड के ऑफिस के बाहर, नादरा के ऑफिस के बाहर खड़े होते हैं। उनसे आपको डील बनानी होती है, वो शुरू करेंगे कोई 10 हज़ार US डॉलर से कि हम आपको क्लियर करवा देते हैं। आप बात करते करते 1000 US डॉलर तक वो आ जाते हैं, फिर आपने उनको वो पैसे देने हैं, वो आपको वहाँ से क्लियर कराएंगे। किलीज़ के बॉर्डर से जब आप निकलेंगे, ये याद रखें कि आपने जाना सुबह है। ये मैं इसलिए आपको सारी इतनी एक डिटेल में बात बता रहा हूँ ताकि जो जाना चाहता है ना, वो बातें ना करें, वो जाना शुरू करें। ये मेथड मैं आपको ट्यूटोरियल एक तरह का दे रहा हूँ कि भाई इस तरह पहुँच जाए वहाँ पर। जब आप वहाँ से जाएंगे तो सुबह आपने जाना है, रात में बिल्कुल जाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। किली से जैसे ही आप आगे जाएंगे तो पहले एक शहर आता है आज़ेज़ के नाम से, आज़ेज़ के बाद जो है असल अलेपो शुरू होता है बेसिकली। अच्छा, अब अलेपो का मैं आपको एक बड़ा चीज़ बताऊँ कि फ़र्ज़ करें जैसे लियारी में अगर खुदा ना खास्ता कोई ऑपरेशन हो रहा है और BBC और CNN उसको कवर करता है, और आप इमेजिन करें कि वहाँ की फुटेज लेता है ऑपरेशन होते हुए और उसको दिखाता है पाकिस्तान इज़ बर्निंग, तो सारी दुनिया क्या सोचेगी कि पाकिस्तान जो है उसमें ये सब कुछ हो रहा है। हालांकि लियारी में हो रहा होगा, डिफेंस गुलशन के एरियाज़ में ऐसा नहीं हो रहा होगा, वहाँ नॉर्मल ज़िंदगी होगी। यही चीज़ अलेपो में भी है कि वहाँ एक स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पर दाइश के लिए या जो भी रेबल फोर्सेस हैं, अल नसर है, जिसको भी हम पॉलिटिकल उस चीज़ में नहीं जाते, लेकिन उनके साथ बशर अल असद जो प्रेसिडेंट है, उसकी जो भी लड़ाई चल रही है, वो एक स्पेसिफिक एरिया में हो रहा है। बाकी एरियाज़ में क्या है कि लोग वहाँ से निकलकर दूसरे एरियाज़ में आ गए। अब प्रॉब्लम क्या है, वहाँ जब आप जाएंगे तो हो सकता है आपको रशियन आर्मी ना मिले, हो सकता है आपको टैंक्स ना मिले, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनको डोनेशन नहीं चाहिए। क्योंकि आप ये सोचें कि यहाँ पर अगर आप काम कर रहे हैं और यहाँ पर खुदा ना खास्ता लियारी में, अगर मैं इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि लोग रिलेट कर सकें, वरना लियारी से कोई ऐसा मुझे वो नहीं है कि बार बार एग्जाम्पल क्यों दूँ। वहाँ जो लोग रहते हैं बेसिकली, अगर उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, अब लियारी में डॉक्टर इंजीनियर्स भी रहते होंगे, जब वहाँ ऑपरेशन हो रहा होगा तो वो अपने पैसे ATM से नहीं निकाल सकते, वहाँ पर ATM नहीं चलेगा, वहाँ बैंक नहीं होगा, तो उनकी नॉर्मल ज़िंदगी तो ख़राब होगी। यही चीज़ आप अलेपो पे भी डालें कि वहाँ पर जो नॉर्मल लोग रह रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर्स और PhD, एंड माइंड यू वहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं। रोहिंग्या मुस्लिम के पास जब मैं सिटवे में गया था बर्मा में, तो उन्होंने कभी पैसा देखा ही नहीं है क्योंकि उनके पास शुरू से नेशनैलिटी नहीं है। ये लोग वो हैं जिनके पास पैसा था और अब नहीं है। तो मसला इनके साथ जो इनकी मुझे सबसे ज़्यादा जो पेनफुल मुझे प्रोसेस लग रहा था ना समझने में, कि एक बंदा डॉक्टर था, किसी ने PhD की हुई है, वो अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, अब उनके पास बिज़नेस नहीं है और वो कहते हैं यार हमें बिज़नेस शुरू कराने की बात करें, ये स्वेटर देना, ये मेडिसिन देना, ये ऑलरेडी है हमारे पास, अब बताएं हम यार डेली कैसे वही लाइफस्टाइल में कैसे वापस आएं। तो जितने लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि यार जिसको भी आप डोनेशन दे रहे हैं ना, उससे बोले दाल रोटी पानी वानी यूनिसेफ पहुँचा रहा है वहाँ पर ऑलरेडी,
ये इसकी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ज़रूरत है कैश डॉलर्स ले जाने की, उनके पास डॉलर्स, उनको कैश चाहिए। इसलिए बाज़ लोग मुझे कहते हैं यार आप वीडियो में डॉलर देते हुए क्यों दिखा रहे हैं। उसका एक रीज़न ये है कि जिसने डोनेशन दिया उसको पता हो कि यार उसकी डोनेशन जारी का है, उसको श्योरिटी हो गई ये वाकई वहाँ पहुँचा, ये किसी टर्की के किसी भी इलाके में, अगर चाहूँ तो मैं तो इस्तंबुल से उतर के कहीं भी जाके एक शूट करके दिखा देता, कौन पकड़ेगा। वो एक एक स्टेप दिखाने का रीज़न ये नहीं है कि मैं कोई एडवेंचर रियलिटी शो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना मैं किसी टीवी चैनल से डील बनाता कि यार मैं शूट करके भेजूंगा इसको, आप प्लीज़ एक डॉक्यूमेंट्री बना के मुझे कुछ पैसे दे दें। उसको ऐसे रैंडम एडिट करके क्यों दिखाया जा रहा है, ताकि लोगों को ये लगे कि भाई आपके पैसे यहाँ पहुँच रहे हैं। और अगर आपने हेल्प करनी है लैपो की तो डीपी चेंज ना करें, आप वहाँ जाके हेल्प करें। वहाँ सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि जो भी पैसे मैं अभी भी जमा कर रहा हूँ, और जिसने भी, मैं अच्छा कुछ लोगों ने फेक मेरे नाम से चीज़ें भी बना ली हैं, तो मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ, जिसने भी डोनेशन देनी है वो वकारज़का.net पे जाए, वहाँ के अलावा कहीं डोनेट ना करें, कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब जब हमें मौका मिलता है वो पैसे जो हम आप भेज रहे होते हैं वहाँ से वीडियो हम आपको पोस्ट कर रहे होते हैं फेसबुक पे कि यार यहाँ पर आपके पैसे गए, यहाँ पर आपके पैसे गए। जो ज़्यादा कहता है भाई दिखाओ मेरे पैसे कहाँ गए, उसको हम रिकॉर्ड करके दिखा देते हैं कि भाई यहाँ आपके इस एरिया में और यहाँ पर जा रहे हैं पैसे। तो मुझे जो सबसे पेनफुल प्रोसेस लग रहा है वो ये है कि आप ये सोचें, बस अगर आपकी जॉब चली जाए और आप हर रोज़ फैमिली के साथ आउटिंग पे जाते थे, अब आपके पास पैसे नहीं जाने के लिए। वहाँ दुकानें खुल गई हैं लेकिन जो चीज़ 1 रुपए की थी अब वो 100 रुपए की हो गई है। तो उनको डोनेशन की ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है कैश, पैसों की। कैश लेके ही जाए, बाकी नॉर्मल जब क्राइसिस आते हैं तो सेव द चिल्ड्रन, यूनिसेफ, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो इनिशियल हेल्प दे देती हैं। लेकिन अब बिज़नेस शुरू कराने के लिए आई डोंट थिंक सो ऐसी NGOs मौजूद हैं जो आपका बिज़नेस शुरू कराएं। तो भाई उस वक्त तो कैंप्स में रख दिया, अब दोबारा जो नॉर्मल लाइफ शुरू होनी ना वो बहुत, वहाँ बहुत बुरे हालात हैं इसके लिए। और यही बात मैंने अपनी वीडियो में जब बताई तो कुछ लोगों ने उसका एक बड़ा गलत मतलब निकाल लिया। मैं ये बताना चाह रहा था कि जैसे बलूचिस्तान में हेल्प की ज़रूरत है, कश्मीर में हेल्प की ज़रूरत है, तो अगर BBC CNN उनकी फुटेज भी दिखाएगा तो आपको ये फील होगा कि यार यहाँ भी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन लोगों को ये लगता है कि मैंने अगर वहाँ ये कह दिया कि सीरिया में जिस इलाके में मैं गया हूँ यहाँ पर वॉर जोन नहीं है, मैंने कहा वॉर जोन नहीं है, मैंने ये नहीं कहा वहाँ हेल्प की ज़रूरत नहीं है, उसको उठा के एडिट करके पता नहीं हर जगह लगा रहे हैं कि वकार तो कह रहा है अलेपो में बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि भाई वहाँ पर अभी जंग नहीं है लेकिन ज़रूरत है उनको, इनको 1 साल लग जाएगा अपना सारा काम दोबारा शुरू करने में। तो डोनेशन मुझे दें, जिसको भी देने दें, लेकिन दें ज़रूर आप, और रुकें नहीं इस बात में, और लेकिन डबल चेक ज़रूर रखें कि आपका पैसा वहाँ पहुँच भी रहा है या नहीं पहुँच रहा। अच्छा देखें, सारे मीडिया में, न्यूज़ चैनल में, क्योंकि टाइम उनके पास कम होता है तो वो फुटेज वो दिखाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी हो, ये बात याद रखने की है। वहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि जब ये पता चलता है कि आज वहाँ पर कोई जंग हो रही है तो फुटेज अगर नहीं मौजूद होती तो पुरानी फुटेज उठाते हैं और उसको दिखा रहे होते हैं। यही चीज़ सोशल मीडिया पे हो रही है, यही चीज़ रोहिंग्या मुस्लिम के लिए भी हो रही है। बहुत पुरानी फुटेज उठाते हैं, कहते हैं देखें वहाँ मसला है, सिर्फ न्यूज़ सुनने के बाद। यार आपको आज न्यूज़ मिली है कि वहाँ जंग हो रही है, जो कैमरामैन अगर वहाँ से शूट कर रहा है आपका, वो डोनेशन भी दे सकता है ना, वो शूट क्यों कर रहा है, वो रुक के हेल्प कर दे। जो कैमरामैन वहाँ पर इस वक्त शूट करके आपको फुटेज भेज रहा है, देखिए शूट करना, निकलना, इंटरनेट तो है ही नहीं, रैपो में तो इंटरनेट नहीं है, मुझे तो नहीं नज़र आया। अब इंटरनेट नहीं है तो कोई सैटेलाइट पूरा एक वो सिस्टम लेकर वहाँ पहुँचा होगा जिसके थ्रू वो भेज रहा है। तो पहली बात तो ये जो कैमरामैन गया हुआ है उसको वहाँ हेल्प करनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो रिकॉर्ड कर रहा है और वहाँ मौजूद है और सारा सामान लेके वहाँ पहुँचा है तो इसका मतलब एक्सेस है जाने का। तो ये फुटेज पुरानी चला रहे होते हैं, जो अभी वहाँ बच्चे मौजूद हैं, यस उनको प्रॉब्लम है। फिर मैं वही कंपेयर करूँगा रोहिंग्या और सीरियन बच्चों को, अगर आप नॉर्मल हालात में सीरियन लोगों से मिलेंगे तो वो बहुत खुददार और उनके मुंह पे एक स्माइल होती है और खूबसूरत तरीन लोग हैं दुनिया के, ये भी बात आप याद रखें। वहाँ की लड़कियाँ, लड़के, बच्चे वो ऐसे हैं कि उनके बच्चे देख के लोग कहते हैं, मुझे कह रहे थे यार इनको अडॉप्ट कर सकते हैं हम किसी तरह, इनको हम बुला सकते हैं, क्योंकि उनके मुंह पे ऑलरेडी एक एक स्माइल होती है। तो लोगों को बाज़ दफ़ा लगता है यार वकार ये जो आप शूट कर रहे थे ये वो एरिया नहीं है जहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम है, तो यार मैं उनसे ये तो नहीं कह सकता प्लीज़ आप रोना धोना मचाएं ताकि आपको डोनेशन मिले। तो सीरिया में ना उस तरह नहीं है जैसे न्यूज़ में फुटेज दिखा रहे होते हैं, इतना ज़्यादा बच्चों में रोना धोना नहीं है। कोई एक बच्चा रो रहा होगा उसको पकड़ के वो शूट करके दिखा देते हैं, यस लेकिन प्रॉब्लम है। अब इस बात से ये निकाल लीजिएगा कि प्रॉब्लम है ही नहीं। असल में मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि लोग जज, उनको लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि दूसरा बंदा बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ कर कैसे रह सकता है। एक तो ये, दूसरा ये है पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कोई ये नहीं सोचेगा कि आपकी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है। कभी आपने सुना है कोई आपके पास आके ये बोले कि यार तुम्हारा बिल इस दफ़ा मैं पे कर देता हूँ, चलो चलो यार इस दफ़ा तुम्हारे घर में कोई मसला है मैं चलो मसला हल कर देता हूँ तुम्हारा, कभी कोई भी नहीं आएगा। लेकिन जब आप खुश होंगे किसी भी चीज़ में, चाहे वो आप
सेलिब्रेशन कर रहे हो, किसी क्लब में हो, चाहे मेहंदी में हो, कहीं भी अगर आप खुश होंगे ना, वहाँ कोई ना कोई ऐसे लोग ज़रूर होंगे कि यार ये तुम क्यों कर रहे हो, ये तो हमारे कल्चर मज़हब के लिहाज से ठीक नहीं है यार, तुम्हें हमारे गम में तो आए नहीं, जो जिस चीज़ में हम खुश हो रहे हैं उसमें तुम इन्वॉल्व हो गए। और इसी तरह अगर हम चैरिटी या कोई भी ऐसा काम कर रहे होंगे, मुझसे सारे वो लोग ये पूछते हैं जिन्होंने 1 रुपया चैरिटी नहीं दी होगी ना, वो पूछ रहे होते हैं बताओ ये चैरिटी वहाँ जा कैसे रही है, तो मैं पूछता हूँ आपने चैरिटी दी है, नहीं हमने दी नहीं है, लेकिन हम जानना चाह रहे हैं लोगों का पैसा वहाँ जा कैसे रहा है। तो मैं पूछता हूँ यार जो जिसने दी है वो तो पूछ ही नहीं रहा मुझसे, उसे मैं वीडियो भेजता हूँ, कहता वकार मेरा नाम भी मत लो, मेरा नाम भी नहीं शो करना, उसको ज़रूरत नहीं है पूछने की। लेकिन जो 1 रुपया नहीं दे रहा वो कह रहा है यार वकार भाई मैं चाहता हूँ आप ना सेफ रहें, कल को कोई अकाउंटेबिलिटी हो तो मैं आपको डिफेंड कर सकूँ। मैं कहता हूँ यार आपके घर वालों ने पैसे नहीं दिए, आपने पैसे नहीं दिए, किसी ने दिए आपके जानने वालों में से? नहीं नहीं हमारे जानने वालों में से किसी ने नहीं दिए। तो फिर आप पूछ रहे कि वो, मेरी तो यही समझ नहीं आ रही बात। तो पाकिस्तान में ना एक चीज़ अगर सही हो जाए ना, कि आप ये सोच लें कि अल्लाह ताला ने आपको एक एग्जामिनेशन हॉल में भेजा है, आप अपना पेपर फिल करें और सबमिट करवाएं, दूसरे के पेपर में हम झांक रहे, पाकिस्तानी सब एक दूसरे के पेपर में झांक रहे कि तुम इस सवाल का जवाब हम बता देते हैं। मुझे लगता है हशर के दिन भी ना एक दूसरे की कबर में घुस जाएंगे, कहेंगे देखो कीड़े कितने बड़े बड़े तुम्हारी कबर में। तो अपने पेपर प्लीज़ आप फिल करें, दूसरे के पेपर में मत झांकें, और इस बात में मत जाएं कि वो अल्लाह ने हमें कहा है कि दूसरों को समझाना भी है, वो जब समझाना है जब अपना पेपर पूरा फिल कर लें आप, तो प्लीज़ दूसरे के पेपर में झांकना छोड़ दें। देखें वकार जगह फाउंडेशन मुझे बनानी नहीं थी, पहली चीज़ तो ये, मैं पहली दफ़ा जब रोहिंग्या मुस्लिम के लिए गया वो भी इसलिए गया था कि सारे लोग मुझे ये कह रहे थे वहाँ कोई नहीं जा सकता। अच्छा ह्यूमैनिटी को सर्व करने के अलावा मेरे अंदर एलिमेंट है कि यार जो कोई कुछ नहीं कर पा रहा ना वो मैं करके दिखा देता हूँ, पहली चीज़ ये भी है। तो सब ने कहा यार बर्मा सिटवे के इलाके में कोई नहीं जा सकता, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है और है भी मुश्किल। तो वो जो थाईलैंड के रास्ते में सारा कुछ गया, तो उसके बाद जब मैं वापस आया चैरिटी करके, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, यहाँ इतनी बड़ी बड़ी चैरिटी करने वाली जो NGOs मौजूद हैं उनके लोगों ने आके मुझे बोला कि तुम देते हुए पैसे क्यों दिखा रहे थे, और आपको पता है बर्मा के नाम पर इतनी बड़ी बड़ी रकम ली जाती है। और आप लोगों को ये बात पता है कि जो भी NGO बनती है उसमें क्लॉज में होता है कि 40% जो है मेरे अपने अखराजात में यूज़ होंगे वो पैसे, यानी अगर आप 100 रुपये किसी भी NGO में दे रहे हैं ना, इंटरनेशनल NGO की बात कर रहा हूँ मैं, सेव द चिल्ड्रन उनकी भी, तो वो आपको आपके पैसों में से अपने इनकम अपनी जो एक्सपेंसेस हैं वो भी काट रहे होते हैं। तो वापस आने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि जी यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा कि यार बगैर NGO के वकार जगह क्यों सपोर्ट कर रहा है। तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं अब NGO की रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, तो इसलिए रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ी। और गवर्नमेंट के यार अपने बहुत मसले मसाइल हैं, अभी वो बेचारे हल वो नहीं कर पा रहे, तो उनको मैं एक और चीज़ में उलझा दूँ कि आप मेरी हेल्प करें। मैं सिर्फ ये प्रूव करना चाहता हूँ यार अगर मैं बर्मा सीरिया जा सकता हूँ और हेल्प कर सकता हूँ बगैर किसी NGO के, बगैर किसी TV चैनल की सपोर्ट के, जिस TV चैनल के लिए मैं काम करता हूँ मैंने उसको भी कभी नहीं कहा कि आप मेरी न्यूज़ चलाएं, ताकि ये पब्लिसिटी स्टंट ना लगे, वरना मेरे लिए कितना आसान है कि मैं ARY को बोलूँ कि जी मेरा एक पैकेज बनाएं और एक शो बना दें मेरा, और मेरा शो जो है इस तरह बना के दिखाएं कि दुनिया में वकार तक जाके देखें क्या कुछ कर रहा है। मैं उनको मना करता हूँ ये सब कुछ करने से, इसलिए ताकि मेरी पब्लिसिटी स्टंट ना लगे। ये तो इसको सोशल मीडिया तक क्यों रखा हुआ है, इसकी वजह ये है ताकि लोगों को ये एक जज्बा मिले कि वकार जका जब इतनी दूर जा सकता है बगैर किसी सपोर्ट के, और मुझे कोई बर्मा में एज अ सेलिब्रिटी कोई वेलकम नहीं किया गया, कोई जानता ही नहीं था मुझे, जब कोई जानता ही नहीं है तो मैं तो बिल्कुल आम आदमी हो गया ना। वहाँ पर अगर मैं इतना सब कुछ अकेले कर रहा हूँ तो एटलीस्ट आप अपने गली मोहल्ले में जाके जो प्रॉब्लम है वो खुद हल करने के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं ना, आप वेट क्यों कर रहे हैं दूसरे का, हुकूमत को क्या ब्लेम दे रहे हैं। तो मकसद वकार जका फाउंडेशन में किसी की भी हेल्प ना मांगने का ये है कि यार मैंने अगर फाउंडेशन बनाई है तो मैं खुद पहले कुछ एग्जाम्पल सेट कर लूँ, कुछ बड़े बड़े काम कर लूँ, फिर हुकूमत की तरफ जाएंगे। सीरिया में तो मैं कहता हूँ कि शायद फिर भी कुछ रिपोर्टर्स गए होंगे। बर्मा, अच्छा अब बर्मा में भी वही है, बर्मा में यंगॉन में अगर आप जाएंगे, यंगॉन एक जगह है, तो वहाँ मुसलमानों को कोई मसला नहीं है, बर्मी मुसलमान आराम से रह रहे हैं, जी रहे हैं। और मेरे लिए बड़ा आसान था कि मैं बर्मा पहुँच के ये कहता कि बर्मा में बड़ा मसला है, प्लीज़ मुझे और डोनेशन दें, प्लीज़ मुझे और डोनेशन दें। आप यकीन माने अगर मैं ज़रा सा रोना धोना मचाऊँ ना वहाँ जाके तो इतने पैसे मिलेंगे कि आपकी सोच होगी। लेकिन जो सिचुएशन है वो दिखाना चाह रहा हूँ, पूरे बर्मा में नहीं, वहाँ एक इलाका है सिटवे, सिटवे के अंदर जो है बेसिकली ज़्यादा प्रॉब्लम है, और सिटवे में जो है रोहिंग्या मुस्लिम्स को प्रॉब्लम है। यस, उनको नेशनलिटी नहीं मिली हुई, उनको बहुत इमदाद की ज़रूरत है, और जो भी पैसे मेरे पास आप लोग भेजते हैं मेरी कोशिश होती है कि सिटवे जो है वहाँ पर पहुँचाए जाएँ। वहाँ पहुँचाने का तरीका भी होता है कि यंगॉन में किसी बंदे को दिए वो फिर फ्लाई करके जाएगा और फिर कैश देगा। तो सीरिया से ज़्यादा जो है रोहिंग्या मुस्लिम को ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो तो जॉब ही नहीं कर सकते। सीरिया के लोगों की तो अभी जॉब शुरू हो जाएगी 6 महीने में, 1 साल में। रोहिंग्या के पास नेशनलिटी नहीं है अगर, और बुद्धिस्ट इतना जुल्म कर रहे हैं उन पर, तो थोड़े अरसे बाद तो ये होगा कि भाई उनकी नस्ल ही पूरी ख़त्म हो जाएगी।
उसको बचाने के लिए कुछ ना कुछ करें। और मेरी रिक्वेस्ट है, आजकल मैं इस मेथड पे काम कर रहा हूँ, किस तरह से उन लोगों को फ्लाई करके हम पाकिस्तान 100-200 ले आएँ या वहाँ से निकालने के लिए करें, क्योंकि ट्रैवल डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो ये फ्लाई कैसे करेंगे। यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि भाई इन लोगों को निकालने के लिए प्रैक्टिकल हेल्प क्या हो सकती है। तो अगर इसका किसी के पास भी कोई सोल्यूशन है कि पासपोर्ट अगर नहीं है, इसके अलावा ट्रैवल डॉक्यूमेंट किस तरह हुकूमत से लेके इनको वहाँ से निकाला जाए, तो प्लीज़ मुझे wakarzaka.net पर ज़रूर बताएं। हमारा काम ये है कि प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालें, सिर्फ आज दाल रोटी का काम ना करें उनका। और बर्मा जाने के लिए फिर आपको बता रहा हूँ, जो जाना चाहता है आपको बैंकॉक में उतर के, वहाँ से 24 घंटे का रास्ता है, वहाँ से इसी तरह एजेंट को आपको $2,000-3,000 खिला के वहाँ से आपको जाना होगा। वहाँ से आप यंगॉन पहुँचेंगे, यंगॉन से फ़्लाइट लेकर आपको सिटवे जाना होगा। और आपको शो ये करना होगा कि आप बहुत ही कुछ जॉली गुड टूरिस्ट हैं। ये जो मैं इतनी सारी क्लबिंग की वीडियोस अपनी पोस्ट कर रहा होता हूँ और लोग पूछते हैं यार क्लबिंग की वीडियो कोई क्यों पोस्ट करता है, हालांकि नुकसान है ना उल्टा ये तो मेरे लिए कि भाई ये तो wakarzaka तो पता नहीं कौन सा प्ले बॉय या पता नहीं कौन सा चक्कर है इसका कि इस तरह की वीडियोस पोस्ट कर रहा है। उसकी वजह ये होती है कि जब मैं 2-3 दफ़ा पकड़ा भी गया हूँ, वो फुटेज भी मौजूद है फेसबुक पे अगर आप सर्च करेंगे, तो जब मैं पकड़ा जाता हूँ मैं दिखाता हूँ यार मैं तो टूरिस्ट हूँ यार, ये देखो मैं तो क्लबिंग भी करता हूँ यार, मेरा कोई ताल्लुक नहीं किसी पॉलिटिकल तंजीम से, मैं ना चैरिटी करने आया, ये तो मैंने ऐसी चैरिटी दे दी है। क्योंकि बर्मा में इस तरह चैरिटी देना कानूनन जुर्म है, तो अगर वो पकड़ लेते मुझे और ये वीडियोज़ मेरी क्लबिंग की नहीं मौजूद होती तो मैं तो वहीं फंस जाता और कौन आता बचाने मुझे, कौन वहाँ संभालता। इन वीडियोज़ ने संभाला है। तो जब अगर मैं क्लबिंग की वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, कोई भी देखे, जो भी मैं आप क्लियर बात बताऊँ, जो क्लबिंग करता है ना कोई दिखाता नहीं है। तो अगर ये मैं दिखा रहा हूँ तो मैं कोई पागल बेवकूफ़ तो नहीं हूँ कि मैं अपने इमेज को ख़राब करने के लिए दिखा रहा हूँ कि सब लोग सोचें ये तो कोई वुमेनाइजर टाइप बंदा है ये जो क्लबिंग भी करता है। उसका मकसद ये है कि जब यमन में या कहीं और मैं कभी जाऊँ और पकड़ा जाऊँ तो मैं बोलूँ यार मैं तो टूरिस्ट हूँ, सिर्फ जब ही आपको वो छोड़ सकते हैं। अगर उनको पता चल जाए कोई फनेटिक है, कोई सुन्नी तहरीक से आया हुआ, कोई शिया तहरीक से आया हुआ, तो वो तो नहीं जाने देंगे वहाँ से। तो इस पूरे प्रोसेस में आपको अपने आप को एक जॉली गुड टूरिस्ट दिखाना है और वहाँ जाके फिर इमदाद करनी है। अगर आप वैसे जाएंगे और पकड़े गए तो कोई बचा नहीं सकेगा, मैं आपको एक क्लियर बता दूँ। देखिए दो तीन चीज़ें इसकी ये हैं कि एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये मसले मसाइल जब होते हैं इंसान के साथ, और हो सकता है ये मसले मसाइल मेरे दोस्त भी मुझे कहते हैं जब इफ़ आई गेट मैरिड, जब तक आपकी शादी या नहीं हुई होती या आप किसी से कमिटेड नहीं होते तो आपको ऐसे चक्करों में नहीं होता कोई चक्कर। दूसरी चीज़ ये है, मेरे दोस्त ये कहते हैं एक दफ़ा अगर शादी वादी होगी तुम्हारी, बच्चे बच्चे हुए तब देखेंगे, तब तुम्हें इस तरह क्रिटिसिज्म जब मिलेगा तो कैसा फील होता है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुदा के वास्ते सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, आमिर लियाकत है, साहिर लोधी है, आपको नहीं पसंद ना देखें कोई, आप उसके घर का बिल नहीं भरते कि आप उसके बारे में उल्टे पुल्टे कमेंट करते हैं, उनकी फैमिलियाँ पढ़ती हैं ये चीज़ें जाके ना, तो बहुत मतलब उनके, आप सोचें आमिर लियाकत का अगर बेटा पढ़ता होगा या बच्चे पढ़ते होंगे तो क्या वो सोचते होंगे। आपको नहीं पसंद आप ना देखें, क्या ज़रूरत है देखने की। मुझे इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं बिल्कुल अभी अकेला जी रहा हूँ तो मुझे कोई ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़ ये कि मुझे पता है कि जो चीज़ मैं ये वीडियोज़ पोस्ट कर रहा हूँ और ख़ुद ही पोस्ट कर रहा हूँ, ये कोई लीक्ड फुटेज तो होती नहीं है, तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे बाद में चैरिटी अगर कहीं जाना पड़े तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मुझे पता है कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा और मेरी नीयत इसके बारे में ठीक है। लिविंग ऑन द एज की एक बहुत बड़ी चीज़ जो कन्फ्यूजन जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ मेमोरी के अलावा भी, वो ये है कि लिविंग ऑन द एज में बाज़ लोग कहते हैं wakarzaka आप इतनी बदतमीज़ी से क्यों बात करते हैं। उसका रीज़न ये है कि एक टीचर अगर होता है, एक प्रिंसिपल होता है आपके स्कूल का, तो वो टीचर एग्जामिनेशन हॉल में आपके साथ कैसे होता है और वैसे कैसे आपके साथ बात करता है। तो उस वक्त ऑडिशन के टाइम पे मैं एक टीचर होता हूँ और मुझे जज करना है आपको, और अगर आपको जैसे एक हाई कोर्ट में या कोई या किसी भी कोर्ट में अगर आप चले जाएँ, वहाँ जज कैसे बैठा होता है, किस तरह बात कर रहा होता है, और जब वो आप नॉर्मल लाइफ में मिलें तो आपसे कैसे बात कर रहा होगा, तो वो जज ना करें कि यार वहाँ कैसे बात कर रहा है। ऑडिशन में बहुत उल्टी फुल्टी लोग हरकतें कर देते हैं और मेमोरीज तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन समझ ये नहीं आता कि लोग ये क्यों नहीं सोचते कि जो कंटेस्टेंट आया है वो उल्टी बात बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। उसको दिखाने का मतलब ये है कि भाई हम ये दिखा रहे हैं कि उसने कोई उल्टी बात बोली है, मैं नहीं बोल रहा था। और मेमोरी तो इस तरह बहुत सारी, एक है कि किसी लड़की ने, आज तक जो मैं भुगत रहा हूँ, एक लड़की ने आके किसी ने बोल दिया था कि जी wakarzaka इल्यूमिनाटी है और wakarzaka जी शैतान की परस्तिश करता है, तो मैं तो यूँ हो गया, मैंने शैतान की परस्तिश कैसे होती है पहली बात, अगर ये होती है तो मेरे तो बहुत सारे हाईकोर्ट के बिल्डिंग के मसले हैं, वो अभी तक शैतान की परस्तिश से हल क्यों नहीं हो रहे मेरे। तो ये इल्यूमिनाट, और एक बाकायदा वीडियोज़ मौजूद है इंटरनेट पे कि wakarzaka शैतान की पूजा करता है, ये करके ये आँख होती है और इसमें ये होता है, तो मेरे भाई शैतान की पूजा तो फिर आप और मैं डेली करते हैं, नामहरम मर्द औरत की बात करके, मेहंदियों में डांस करके और एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करके, ये तो आप डेली कर रहे हैं, शैतान की पूजा क्या होती है ज़रा मुझे समझा दें। तो ये मैं आज क्लियर कर रहा हूँ, ये इल्यूमिनाटी उस लड़की ने किसी दोस्त से शर्त लगा के आई होगी और ऐसी फेमस होने के लिए उसने बात बोल दी होगी। वो आज तक मुझसे लोग ये नहीं पूछते कि तुमने चैरिटी कितनी की है, बोलते यार ये शैतान की पूजा कैसे करते हैं आप, तो ये शैतान की पूजा का कोई मंदिर है तो हमें भी दिखाएं, हम भी जाके शूट करें, ऐसी कोई बात नहीं है, दूर दूर तक नहीं। और हमें अगर इल्यूमिनाटी और ऐसी कोई चीज़ होता
ये फैशन के अंदर एक चीज़ आती है ना इल्यूमिनाटी, तो इसलिए आप ज़रा फ्री मेसन और ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती दुनिया में, कुछ भी नहीं ऐसा, बेकार बात है, ये सिर्फ एक ट्रेंड बनाने के लिए बात हो रही है। वो एक मेमोरी है जो मैं भूलता नहीं हूँ, बड़ी एक हॉन्ट करती है मुझे, क्योंकि लोग मुझसे कहते हैं ना जब ये, तो मैं कहता हूँ यार मेरा एक हाई कोर्ट में मसला चल रहा है प्रॉपर्टी का, वो हल नहीं हो रहा, तो शैतान की जहाँ पूजा होती है उससे बोलो भाई ये तो हल करा दो थोड़ा सा। मैं वकार ज़का ही ठीक हूँ, और आई थिंक वकार ज़का की जो ओरिजिनल पावर्स मिली हुई हैं उसे अल्लाह की तरफ से, वो काफ़ी हैं। अगर मैं बर्मा सीरिया जा सकता हूँ तो आई थिंक बाकी लोगों को ये फॉलो करना चाहिए। बाकी सुपर पावर्स का मैंने कभी प्रैक्टिकल इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा, सुपरमैन या स्पाइडरमैन का, तो मैं समझता नहीं हूँ सुपर पावर किसी काम की है। अब मैं मूवीज़ डायरेक्ट करने के लिए प्लान कर रहा हूँ कुछ चीज़ें का, जिसमें रियलिटी सीरीज टाइप की एक मूवी का है प्लान, लेकिन एंटरटेनमेंट मैं बिलीव करता हूँ एंटरटेनमेंट वैल्यू हाई होनी चाहिए। पाकिस्तान में बड़ा मसला फिल्म्स का ये है कि यहाँ पर रेप, यहाँ पर औरत के साथ जुल्म और मारम कुटाई और फौज 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 ने हमला किया, फौज के साथ ये हुआ, ये जो चीज़ें हैं ना, ये पाकिस्तान में पहले खुदा के वास्ते कमर्शियल सिनेमा ग्रो होने दें। अगर मैं कोई फिल्म बनाऊंगा तो वो लोगों को हंसाने के लिए बनाऊंगा। 400-500 रुपये गरीब आदमी खर्च करके जाता है सिनेमा या फैमिली जाती है, और वहाँ पर भी वही चीज़ देख रही है जो न्यूज़ चैनल पे देख रही है, वही चीज़ देख रही है जो ड्रामे और सीरियल में देख रही है। तो फिल्म मेकर्स को चाहिए खुदा के वास्ते ये पहले कमर्शियल सिनेमा ग्रो होने दें, फिर ये आर्ट फिल्म्स को ग्रो करें, ये बॉलीवुड को कॉपी करें, जिसको भी कॉपी करना है। देखें आपकी अम्मी मेरी अम्मी फिल्म इसलिए नहीं देखती कि कॉपीड है या नहीं है, वो देखते हैं भाई मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो कॉपी करें या ओरिजिनल बनाएं, लोगों को हंसाएं। लोग इसलिए नहीं जा रहे सिनेमा के आपने वो दिखाना है जो ऑलरेडी न्यूज़ में देख रहे हैं कि 4 बच्चों का रेप हो गया, 3 बच्चों के साथ अब्यूज़ हो गया, ये क्यों, ये फिल्म में क्यों दिखा रहे हैं, मतलब क्या, मतलब इससे क्या दिखाना चाह रहे हैं, आप हंसा सकते हैं ना। तो मेरी रिक्वेस्ट है जितने राइटर्स हैं जितने फिल्म मेकर्स हैं, कोई अगर बहुत अच्छी फ़नी फिल्म्स लिख सकता है, मुझे एक राइटर की तलाश भी है जो बहुत अच्छे फ़नी स्क्रिप्ट लिख सकता है, तो प्लीज़ मुझसे रब्ता करें। वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट है मेरे wakarzaka.net पे, जैसे ही मुझे राइटर मिल जाएगा तो डेफिनेटली फिल्म की तरफ जाएंगे, लेकिन एंटरटेनमेंट फिल्म की तरफ। रिक्वेस्ट मेरी सिर्फ वही है जो पूरे इसमें एक लेक्चरबाजी में करता रहा हूँ कि देखें आपको किसी चीज़ में भी, अगर किसी को भी ना आप जज ना करें, आप अपना देखें पहले, अपने आप को सही कर लें। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप वाकई हेल्प करना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा जो लोग DPs चेंज करते हैं वो सही नहीं है, ठीक है, फैशन में एक चीज़ है कि जिस आपने DPs चेंज कर लिया बर्मा के लिए सीरिया के लिए, इसी तरह अगर आपने हेल्प करनी है प्रैक्टिकली हेल्प करने की कोशिश करें। और प्रैक्टिकल अगर वाकई हेल्प करनी है तो देखें, अगर मैं अपने शोबेस का काम छोड़ के जा सकता हूँ, ये मैं क्यों बार बार शो ऑफ क्यों कर रहा हूँ, एक तो नेकी कर दरिया में डाल कोई इस्लामी कहावत नहीं है, ये याद रखें, ये हातम ताई की चीज़ है, ये इस्लाम नहीं है। और ये जो कहते हैं ना कि ये नेकी कर दरिया में डाल जो है ये, तो ठीक है नेकी कर दरिया में डाल ओके, ये डांसिंग वीडियोज़ प्रैंक वीडियोज़ बाकी वीडियोज़ सोशल मीडिया पर आप क्यों पोस्ट कर रहे हैं, सेल्फीज़ क्यों पोस्ट कर रहे होते हैं, ये कौन सी आयत में लिखा हुआ है कि ये चीज़ करनी है और नेकी छुपा देनी है। अब देखें विद द पैसेज ऑफ टाइम ट्रेंड चेंज हो गया है, नेकी करके आप छुपाएं ठीक है, लेकिन फिर बाकी जो शैतानी टाइप काम है उसको क्यों प्रमोट कर रहे होते हैं, उसको क्यों पोस्ट कर रहे हैं, उसको क्यों शेयर कर रहे होते हैं, आप इंडियन गाने क्यों शेयर कर रहे होते हैं, उसमें कहते हैं ये आप ये कहते हैं जो अल्लाह के लिए काम है वो छुपा दो और बाकी जितने काम है वो दुनिया को दिखाओ। मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी थोड़ी सी भी फैन फॉलोइंग है, अगर आप वाइंस बनाते हैं, कॉमेडी वीडियोज़ बनाते हैं, प्रैंक्स बनाते हैं, अगर आप हेल्प करते हैं तो आप वो वीडियोस भी पोस्ट करें, ताकि उसको देख के जो 12-11 साल का बच्चा हमें फॉलो करता है ना, उसको लगे हाँ यार नेकी करने से भी ना फेम मिलती है, तो मैं भी नेकी करूँगा। आप क्या चाहते हैं, नेकी छुपाते जाएं और बाकी तमाम चीज़ें दिखाते जाएं? तो मेरा एक बड़ा मैसेज ये है कि भाई जिसकी थोड़ी सी भी फॉलोइंग है फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे या टीवी पे, आप खुदा के वास्ते गानों की वीडियोज़ के साथ साथ अगर कहीं रोड पे पैसे देते ना नेकी करते वो दिखाएं, ये शो ऑफ करना ज़रूरी है, वरना फिर जो बच्चा है ना उसको लगेगा भाई सिर्फ मुझे, अगर इसकी छोटी सी एग्जांपल ये बचपन में बच्चा जब होता है आप उसे क्या कहते हैं कि यार मेहमान आए चलो डांस करके दिखाओ, बच्चा कहता है ठीक है भाई, इससे अप्रिसिएशन मिल रही है, कुरान पढ़ने की अप्रिसिएशन नहीं मिल रही होती तो एक खाली हार्ड ड्राइव में क्या बैठ गया कि यार डांस की अप्रिसिएशन है। तो वो जब बड़ा होता है डांस और करने लगता है, आप उसे रोकने लग जाते हैं, वो कन्फ्यूज हो जाता है कि भाई पहले तो किसी चीज़ की ताली बजा रहे थे अब कह रही है सही चीज़ नहीं है। तो भाई कहने का मकसद ये है कि आप खुदा के वास्ते उसको अप्रिसिएशन उस चीज़ पे दें कि ताकि उसे लगे नेकी करने भी मेरा फ़ायदा है। आधे लोग बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे नहीं ये क्या बात हुई नेकी दिखानी चाहिए, आप मत दिखाएं, लेकिन फिर आप सेल्फी और डांसिंग और मेहंदी की वीडियोस भी ना पोस्ट करें ना, वो क्यों पोस्ट करते हैं, जब वो कर रहे हैं तो नेकी को भी प्रमोट करें, नेकी को ट्रेंड में लाने के लिए काम करें। सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि जो बच्चा जो भी पैदा होता है ना उसको 1-2 साल तक 3 साल तक ना आप बेबी टीवी मत दिखाएं, आप ये जो आप एक खामोश कार्टून दिखाते हैं ना, तो आजकल बच्चे खामोश हो रहे हैं उससे बिल्कुल। माएँ चाहती हैं कि यार ये बच्चा रोए नहीं और इधर देखता रहे, आपको पता है उससे कितना बड़ा, ये शायद किसी और ने आपको ना बताया, मैं अभी एक न्यूयॉर्क में इसी तरह कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, वहाँ पर इस पर बहुत बड़ी बात हो रही थी, अपने बच्चे को खामोश कार्टून्स मत दिखाएं। मैं चाहता हूँ वो चीज़ चेंज हो जो हो भी सकती है,
मैं ऐसी बात नहीं करूँगा जो हो ही नहीं सकती। आप अभी जितने लोग मुझे देख रहे हैं, शायद उनमें से काफ़ी सारी माएँ अपने बच्चों को ऐसी कार्टून्स ना दिखाएं। दूसरी चीज़ ये है कि 1 साल से लेकर 4 साल तक उसके कमरे में अच्छे स्पीकर लगा के, जिसकी भी तिलावत आपको अच्छी लगती है, जिसकी भी आपको नातें अच्छी लगती हैं, जिस भी फिक्के को आप फॉलो करते हैं, वो नातें उसको 3-4 साल तक सुनाएं, ताकि हार्ड ड्राइव में ना वो इस्लाम की चीज़ें बैठ जाए, उसके बाद टीवी दिखा दें। देखे ना, बिल्कुल अभी अभी फाउंडेशन बन रही है, उसमें ही आप उसे गाने दिखा देती हैं, उसमें ही आप उसे फिल्में दिखा देती हैं, तो फिर वो कभी भी इस्लाम की तरफ तो नहीं आ सकता ना। तो वो 4 साल तक उसको ये चीज़ें दिखाएं, उसके बाद यस बिल्कुल दिखाएं, उसको गाने भी दिखाएं, फिल्में भी दिखाएं, लेकिन शुरू में जब उसकी हार्ड ड्राइव में ये बैठ जाएगा ना, फिर वो चाहे KGS में पढ़े, चाहे वो कहीं भी इधर उधर पढ़े, फ़ायदा ही होगा आपका।